A very good morning, students. Today we are going to discuss about electrical resonance के बारे में हम study करेंगे, ठीक है? अब देखो, जैसे कि हम लोगों ने already की statement हम लोगों ने ये formula हम लोगों ने try करके रखे हुए हैं. This formula is related to as that of the impedance, ठीक है? जब हमने L C आपको series में attach किया था, तो उसकी वजह से impedance कितना आ रहा था हमारे पास? That is equal to R square plus X square minus of X का whole square के equivalent हमारे पास impedance आ रहा था. तो इस इंपीडेंस में होता क्या है, जब हमारे पास बी एल जो है वो लीड कर रहा होता है, ठीक है? जब हम सर्किट पर लगाते हैं तो हम लोगों ने यूजुअली इनको स्टडी किया है, तो हमने क्या देखा, बी एल जो लीड करता है विद रिस्पेक्ट टू द करंट, उसी तरह से बी सी जो वो लैग्स पे जाता है, पीछे रह जाता है विद रिस्पेक्ट टू द करंट, जबकि बी आर की केस में जो होता है रेजिस्टेंस की केस में होता है बोथ आर इन द सेम फेज. अब हम पढ़ेंगे रेजोनेंस के बारे में. रेजोनेंस होती क्या चीज है? देखो, रेजोनेंस क्या चीज होती है, देन द इंपीडेंस एंड द करंट बोथ विल बी इन द सेम फेज. हमने फेज के लिए वैल्यू निकाली थी tan ऑफ फाई इक्वल टू x एन माइनस ऑफ x सी अपॉन r. ये किसके लिए वैल्यू निकाली थी? दिस वन इज द फेज डिफरेंस. किसके बीच का फेज डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है? ये करता है आपके इंपीडेंस एज वेल एज जो आपका करंट होता है उनके बीच के रिलेशन को बताता है कि कितना है दोनों के बीच में फेज डिफरेंस होगा. अब देखो, रेजोनेंस कब आएगी? रेजोनेंस विल कम्स आउट बाय बोथ इंपीडेंस. कौन कौन? इंपीडेंस एंड करंट बोथ आर इन द सेम फेज. कहां पर होंगे? सेम फेज में होंगे, ठीक है? व्हेन द करंट एंड इंपीडेंस विल बी इन द सेम फेज, दैट कंडीशन इज कॉल्ड द रेजोनेंस. अब सेम फेज में क्या होगा, इस चीज के बारे में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? अब देखो, सेम फेज का मतलब क्या होता है, ये हमारे पास डायग्राम है, फेजर डायग्राम के बारे में पता नहीं है, हमने लास्ट टाइम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया हुआ था. फेजर डायग्राम, दैट इज द वोल्टेज व्हिच लीड्स द करंट, दैट इज इंडक्टर वोल्टेज, दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटर वोल्टेज, एंड दिस इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस वोल्टेज बोला जाता है, ठीक है? अब देखो, यहां पे रेजोनेंस कब होगी? रेजोनेंस कब होगी, ये हमारे पास मान लेता हूं कि मेरे पास इंपीडेंस है जेड. अब रेजोनेंस कब होगी? जब करंट और आपका इंपीडेंस बोथ विल बी इन द सेम डायरेक्शन. मान लो करंट भी जो होगा इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ये डायरेक्शन में यहां पे लिखता हूं, दैट इज द करंट. करंट और इंपीडेंस बोथ विल बी इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है? ओनली इन दैट केस वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस इज देयर, ठीक है? इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस कब होगा? व्हेन बोथ करंट एंड इंपीडेंस विल बी इन द सेम फेज. और सेम फेज पे होने का मतलब क्या है? बोथ विल बी इन द सेम डायरेक्शन. देखो, सेम फेज के लिए आई और बी आर की वैल्यू कैसी है? सेम डायरेक्शन में, दोनों में दो. इन दिस केस इंपीडेंस और करंट और दोनों सेम फेज में आते हैं, तो इसका मतलब दैट इज द इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस. उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस है. तो ये इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस आएगा कब? कौन सी कंडीशन में इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस आएगा? देखो, अगर मैं बी एल और बी सी को इक्वल कर देता हूं, दोनों कैसे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में है. अगर मान लो ये ऊपर की तरफ टेंड कर रहा है तो ये नीचे की तरफ वाला टेंड करता हूं, तो दोनों का नेट इफेक्ट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा दोनों का नेट इफेक्ट, ठीक है? तो कंडीशन क्या बनती है इसके लिए? दैट इज द कंडीशन फॉर द रेजोनेंस. कंडीशन फॉर रेजोनेंस, रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या बनी मेरे पास? व्हेन बी एल इज इक्वल टू बी सी. अरे जब बी एल और बी सी दोनों इक्वल हो जाएंगे, लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसी है? एक जैसी है, ठीक है? सॉरी, अपोजिट डायरेक्शन है. अगर अपोजिट डायरेक्शन तो कोई दूसरे के फैक्टर कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे. इन दिस केस अगर मैं इन दोनों को इरेज कर देता हूं, यहां से हटा देता हूं, तो मेरे पास क्या बचेगा? करंट किसी डायरेक्शन में जा रहा है और इंपीडेंस जो है वो भी किसी डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है. तो दैट मींस दैट इज द रेजोनेंस कंडीशन. यहां पे ये क्या बनेगा? रेजोनेंस को प्रोड्यूस करेगा. क्या बताएगा यहां पे इसको? रेजोनेंस को. रेजोनेंस क्या बताता है? कि जब करंट और इंपीडेंस बोथ विल बी इन द सेम फेज, सेम फेज में चलेंगे दोनों, ठीक है? तो इसी चीज को हम बताते हैं रेजोनेंस बोला जाता है. रेजोनेंस की कंडीशन क्या बनेगी हमारे पास? कि जब हमारे पास बीएल और बीसी दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे. वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है? तो इसके बराबर इक्वल हो जाएंगे. अब देखो यहां पे, जब ये दोनों इक्वल कर दिए मैंने, तो यहां पे अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन ये दोनों वैल्यू इक्वल हो गई, तो मेरे पास इंपीडेंस कितना आया? इंपीडेंस विल बी इक्वल टू द x माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 0. ये कंडीशन क्या होगी? 0 के इक्वल होगी. तो बचा क्या मेरे पास? सिंपल r. क्या बचा मेरे पास? r बचा. तो ये
ठीक है, या फिर टोटल जो इंपीडेंस यहां पे होगा वो किसकी वजह से होगा, दैट विल बी आवर प्योरली रेजिस्टर की वजह से होगा। किसकी वजह से हो रहा है ये, प्योरली रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है। यानी कि जो इंपीडेंस प्रोड्यूस करेगा इस पूरे के पूरे सर्किट में व्हेन देयर इज अ रेजोनेंस, क्या होगा, व्हेन देयर विल बी द रेजोनेंस, जब रेजोनेंस होगी तो पूरे के पूरे सर्किट में जो इंपीडेंस होगा वो सिंपल और सिंपल किसकी वजह से होगा, दैट विल बी ड्यू टू द रेजिस्टेंस इन द सर्किट, ठीक है। किसकी वजह से हो रही है, रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है, क्लियर होगी बात। अब हम यहां पे कैलकुलेट करते हैं व्हाट इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी। अब देखो यहां पे हम लोगों ने कंडीशन यहां पे अप्लाई की, दैट इज bl माइनस ऑफ bl इक्वल टू bc, bl bc है क्या चीज, दीज आर द वोल्टेजेस अप्लाइड टू द इंडक्टर एज वेल एज द कैपेसिटर, ठीक है। अगर हमारे पास यहां पे वैल्यू है bl की वैल्यू ixl और bc की वैल्यू ixc, इन दोनों को इक्वेट करके हम यहां से एक फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं व्हिच इज कॉल्ड द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहां पे देखो i के साथ i की वैल्यू निकल xl इज इक्वल टू xc बन जाएगा, यहां पे we also know that xl की वैल्यू कितनी होती है l omega, जबकि xc की वैल्यू कितनी होती है 1 upon c omega। एक काम करो ओमेगा को सब पे जाओ, l को सब पे जाओ, तो क्या बन जाएगी यहां पे मेरे पास कंडीशन, दैट इज ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बन जाएगा यहां पे 1 upon lc, कितना बन गया ये मेरे पास ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 upon lc। अब स्क्वायर को सब पे जाओ तो आई विल गेट देयर द इक्वेशन दैट इज अंडर रूट ऑफ lc, ठीक है। अब ओमेगा और फ्रीक्वेंसी का रेशियो होता है 2 बाई म्यू नॉट, इसको हम मान लेते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो मैं म्यू नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। तो उसको मैंने लिख दिया म्यू नॉट, तो ये इक्वल बन रहा है ऑन एलसी अंडर रूट, ठीक है। तो म्यू फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी बन गई मेरे पास 1 अपॉन 2 पाई एलसी अंडर रूट, दैट इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। यानी कि जो इन दोनों की वजह से एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का प्रोड्यूस हो रही है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी होगी v नॉट, सॉरी म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई lc। इन दिस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी द करंट विल बी मैक्सिमम, करंट क्या होगा मैक्सिमम होगा, क्यों, क्योंकि करंट की वैल्यू जो होती है वोल्टेज अपॉन इंपेडेंस। अरे इंपेडेंस किस कितना आ रहा है, इंपेडेंस तो हमारे पास रेजोनेंस के केस में कितना आ रहा, रेजोनेंस के केस में इंपेडेंस जो था वो सिंपल r के बराबर था, यानी कि मिनिमम कंडीशन होगी, क्योंकि इसकी वजह से तो इंपेडेंस होता है, इसकी वजह से भी इंपेडेंस होता है। लेकिन जब हम दोनों की वैल्यूज को बराबर कर दिया तो यहां पे इंपेडेंस कितना हो गया 0 इन दोनों की वजह से, तो वजह किसकी वजह से इंपेडेंस, इस r की वजह से इंपेडेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा मिनिमम, अगर z मिनिमम है तो करंट क्या होगा इसमें मैक्सिमम फ्लो करेगा, z अगर मिनिमम है यानी कि इंपेडेंस मिनिमम है सर्किट में तो करंट जो फ्लो करेगा वो क्या करेगा, मैक्सिमम करंट जो है इसके अंदर से फ्लो करेगा, ठीक है। तो कौन सी कंडीशन में ये फ्लो करेगा, व्हेन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज देयर, ठीक है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर क्या करेगा, करंट जो है वो मैक्सिमम फ्लो करेगा, क्लियर हुई बात ये, क्यों करंट मैक्सिमम होगा, क्योंकि इंपेडेंस जो है वो सिंपल और सिंपल किसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। अगर मैं इसको वैल्यू की फॉर्म में मानता हूं 10 ओम 10 ओम 10 ओम, अगर तीनों को लेता हूं तो टोटल कितना हो जाएगा 30 ओम का रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, बट whenever these two values will be equal and they will cancel out the effect of each other, ek dusre ke factor kar rahi hai cancel out kar rahi hai, to yahan pe kitna ho jayega 10 minus of 10 0, in dono ki wajah se impedance kitna ho gaya 0 ho gaya, bacha kiski wajah se simple r ki wajah se, to that's why I am writing here as z minimum, jab hamare paas kya hoga rather frequency hogi to us time kya hoga z ki value impedance ki value ki minimum hogi, to current kya aa raha hai, करंट जो है वो मैक्सिमम फ्लो कर रहा है इस केस में, ठीक है। तो दिस वन इज द रेजोनेंट करंट, रेजोनेंट कंडीशन में करंट जो होता है वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। अब देखो इसकी एक डायग्राम सॉल्व करेंगे, डायग्राम में जब इसे सॉल्व करते हैं तो देखो हमारे पास इंपीडेंस का फार्मूला ये पड़ा हुआ है, ठीक है। दिस वन इज द फार्मूला फॉर द इंपीडेंस और करंट मैक्सिमम हमने इस तरह से निकाला, करंट मैक्सिमम देखो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा और ये रिप्रेजेंट करेगा करंट को, इसको रिप्रेजेंट करेगा करंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब मान लो मेरे पास एक्स की वैल्यू होती है 1 / c
देगा. वेल द फ्रीक्वेंसी वन ओवर हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वेल द फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू द जीरो. पहले कंडीशन में हमने मान लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी हमारे पास जीरो है. तो इस रिलेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखो हमारे पास वैल्यू क्या बनती है. 1 upon 0 इक्वल टू द इंफिनिटी. ठीक है, क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मामले में तो ऑक्यूपाई नहीं होता है. यहां पे इसको लिख देते हैं तो 1 upon 3 2 pi nu. न्यू तो हमारे पास जीरो है. तो इट विल कम टू 1 upon 0 इंफिनिटी. उसी तरह से ये वैल्यू कितनी बनेगी, जीरो बन जाएगी. ठीक है, अब देखो यहां पे जब हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखो इंफिनिटी x की वैल्यू इंफिनिटी, x की वैल्यू जीरो, r की वैल्यू कुछ भी सपोज कर लेते हैं. ठीक है, 1 2 और 3 हम सपोज कर लेते हैं. जब इंफिनिटी में मैं 1 2 को ऐड करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, इंफिनिटी आंसर आ रहा है. कितने आंसर आ रहे हैं, इंफिनिटी. एंड g अपॉन इंफिनिटी कम आउट टू 3 0. बात समझ आई है, जब मैंने फ्रीक्वेंसी 0 सब्स्टिट्यूट की तो क्या हुआ यहां पे, एक मिनट क्या बोले लेते हैं. ओके ठीक है, कैमरा देखो क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी जब मैंने 0 सब्स्टिट्यूट की तो यहां पे अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन xc को मेरे पास आ रहा है इंफिनिटी आ रहा है, xl जो आ रहा है मेरे पास 0 आ रहा है. तो ऐसा तो जीरो हो गया इस सिस्टम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने पर. xc में 0 सॉरी इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस कर रहे हैं इसमें r में इंफिनिटी को ऐड कर रहे हैं तो इंफिनिटी आंसर आएगा. इंफिनिटी में कोई भी ऐड करो सबट्रैक्ट करो तो इंफिनिटी बनता है. इंफिनिटी आ गया, z की वैल्यू कितना है इंफिनिटी. अब मुझे देखना है करंट कितना फ्लो कर रहा है. फ्रीक्वेंसी जब मैंने 0 रखी है यहां पे, फ्रीक्वेंसी जब 0 रखी है तो करंट मेरे पास कितना आ रहा है यहां पर, v upon infinity that becomes equal to v 0. क्यों? क्योंकि 1 upon 0 1 upon infinity की वैल्यू होती है कितनी होती है, 0. यानी कि जब मेरे पास करंट जो है वो कितना आएगा, 0 सॉरी फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 थी तो करंट भी कितना आया, 0. अब देखो यहां पे xc क्या है, इन्फिनिटी. यानी कि xc की वैल्यू बहुत बड़ी लार्जर है जबकि xl को वो क्या है, स्मॉलर है, बड़ा ज्यादा छोटा है xl. ठीक है, अब हम इसको रेजोनेंस में लेके आते हैं. धीरे धीरे मैं xc की वैल्यू को कर रहा हूँ कम कर रहा हूँ. xc की वैल्यू क्या है, टॉप में है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट मतलब बड़ी हाई ज्यादा वैल्यू है. ठीक है, xc की वैल्यू को मैं कर रहा हूँ डाउन कर रहा हूँ धीरे धीरे, और यहाँ पे xl की वैल्यू को मैं धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूँ. ठीक है, तो क्या होगा, जैसे जैसे ये वैल्यू जो है वो क्या होती जाएगी, इन्फिनिटी से कम होती जाएगी. ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट आ रही है वैल्यू, फ्रीक्वेंसी को मैंने चीज करना शुरू कर दिया और जीरो ले रही है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी जब जीरो ले रही तो धीरे धीरे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी. ठीक है, वैल्यू बढ़ती जाएगी कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे आ रही है. ठीक है, उसी तरह से एक्सएल एक्सएल की वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी और एक्सएल की वैल्यू इंक्रीज होगी. जो धीरे धीरे ऐसे आ रहा है, एक्स ऊपर है और एक्सएल नीचे है, जीरो है. तो धीरे धीरे जब हम इसको कम कर रहे हैं तो इस तरीके से क्या हो रहा है, x की वैल्यू कम होती जा रही है और xl की वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है. ठीक है, तो इस तरीके से जैसे ही इसकी वैल्यू जो ये कम होती जा रही है और इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है तो इसमें ऐड हो रहा है, तो z की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है. z की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है. अब यहां हम जैसे ही z की वैल्यू इंक्रीज करेगी, ठीक है सॉरी z की वैल्यू को डिक्रीज कर रही है, सॉरी z की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है. अब z की वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर रही है क्योंकि इनफाइनाइट की वैल्यू पहले कितनी आ रही थी, इनफाइनाइट आ रही थी. ठीक है, अब इसकी वैल्यू इनफाइनाइट नहीं रही, अब इनफाइनाइट नहीं रही तो उसके और इसकी वैल्यू क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है. यानी कि इनफाइनाइट से तो जीरो वैल्यू कम हो रहा है, 1 2 3 ठीक है, या सॉरी 25 7 10 9 8 7 6 इस तरीके से कम बनेगा. ठीक है, तो इनफाइनाइट से ये वैल्यू कम होती जा रही है. जब एक्सपीरियंस की वैल्यू कम होती जा रही है तो यहां पे इंपीडेंस की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, इंपीडेंस की वैल्यू भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है. क्यों, क्योंकि अब ये इन्फिनिटी नहीं रहा, अब ये इन्फिनिटी रहा तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है. ठीक है, जब वैल्यू आ रही है इसकी तो इसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है. ठीक है, जब वैल्यू कम हो रही है तो करंट क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा. तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा इसका. फिर यहाँ पे अब ये मैक्सिमम कब होगा, देखो मैक्सिमम कब होगा, जब एक्स एल और एक्स सी दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए. एक्स सी ऊपर से आया, एक्स एल नीचे से, क्योंकि एक्स एल जीरो था और एक्स सी क्या था, इनफाइनाइट था. इनफाइनाइट से इसकी वैल्यू कम हो रही है और इसकी जीरो से वैल्यू बढ़ रही है. एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पे दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर. ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस. वेल x is now equal to xc, xc किसकी इक्वल हो जाएगा, xc. तो ये दोनों किसकी इक्वल हो जाएंगे, जीरो के इक्वल. तो हमारे पास इंपीडेंस जो बचेगा वो सिंपल किसकी वजह से ही बचेगा, इंपीडेंस विल कम टू टू बी यूनिटली ड्यू टू द r. इसकी वजह से बढ़ रहा है इंपीडेंस हमारे पास, सिंपली
अभी मैंने आपको बताया ना, जब आपके पास I मैक्सिमम होगा तो उस केस में Z जो होगा वो मिनिमम होगा, और किसकी वजह से होगा? बिल्कुल रेजिस्टिव सर्किट की वजह से, यानी कि हमारे सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वजह से हम इस करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, करंट की जो मैक्सिमम पीक वैल्यू जो होती है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे धीरे धीरे करंट क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जेड जो है वो क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। जेड की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो आई की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है। एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पे इसकी वैल्यू जो होगी मैक्सिमम हो जाएगी, दिस वन एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। कहां पे? जहां पे करंट मैक्सिमम होगा, यहां पे ये करंट क्या रही है, करंट की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। तो इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर, यानी कि जब हमारे पास एक्सएल और एक्सी जो बराबर हो गए, इक्वल हो गए, तो इसकी वजह से रेजिस्टेंस किसकी वजह से बढ़ा, सिंपली आर की वजह से। तो आर की केस में यहां पे क्या हुआ, फिर सिंपली सर्किट का रजिस्टर रहेगा। तो सर्किट का रजिस्टर रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस इंपेडेंस किसकी वजह से हो, सिंपली आर की वजह से। तो हमारे पास इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंगली जेड जब हमारे पास मिनिमम है तो आई क्या होगा, यहां पे मैक्सिमम होगा। ठीक है, यहां पे आई की वैल्यू होगी मैक्सिमम। अब देखो एक्सी को ऊपर से लेके आ रहा था नीचे की तरफ, ठीक है, एक्सएल ऊपर जा रहा था। अब क्या होगा, जब दोनों इक्वल हो गए तो हमारे पास मैक्सिमम करंट है। अब धीरे धीरे एक्सएल बढ़ेगा ऊपर की तरफ और एक्सी जीरो होता जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, फिर से इंपीडेंस की वैल्यू जो वो इंक्रीज करेगी। इंपीडेंस फिर से क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रही है। जब दोनों बराबर हो गए तो जीरो इफेक्ट हो गया था, लेकिन अब ये बढ़ रहा होगी कम हो गए। ठीक है, तो इंपीडेंस की वैल्यू फिर से बढ़ रही है। जब इंपीडेंस बढ़ रहा तो करंट क्या होगा, फिर से धीरे धीरे करंट की वैल्यू कम होती जाएगी इस तरीके से। ठीक है, so this one is called the resonance. resonance पे जाके क्या हुआ, current जो है वो maximum हो गया। ठीक है, किसके लिए, एक particular frequency के लिए, समझा गया बात। तो इस हम frequency को क्या बोलते हैं, resonant frequency। जिस resonant frequency पर हमारे पास current maximum आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, resonant frequency। मान लो यहाँ पे resistance R बन जाता है, ठीक है, मतलब मान लेते हैं resistance R बन। ठीक है, अगर मैं circuit के resistor को बढ़ा देता हूँ, सर्किट के रेजिस्टर को बढ़ा रहा हूं, जेड की वैल्यू बढ़ रही है, जेड की वैल्यू बढ़ रही है, तो करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम करंट की वैल्यू हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि मैं सर्किट में जो रेजिस्टेंस है उसको कंट्रोल करके इसकी वैल्यू को कंट्रोल कर रहा हूं, इसकी आई की। अगर मैं आर एक और सर्किट लेता हूं उसमें मैंने करंट की वैल्यू को थोड़ा इंक्रीज कर दिया, पहले 10 था 20 कर देते हैं, 20 कर दिया तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो मतलब इंपीडेंस बढ़ गया, इंपीडेंस बढ़ने से करंट की वैल्यू हो जाएगी, मैक्सिमम करंट की वैल्यू होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सर्किट जो है डायग्राम इस तरीके से बनेगा, दैट इज और आर टू, आर वन कम है, आर टू जा रहा है, दैट इज आर वन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ आर टू। अगर मैं इसकी वैल्यू को और थोड़ा बढ़ा देता हूँ, रेजिस्टेंस की वैल्यू को और इंक्रीज कर देता हूँ, 30 ओम कर देता हूँ अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू को, जब मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू को 30 ओम किया तो यहाँ पे मैंने देखा तो दिस ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इसका मैक्सिमम करंट जो है वो और ज्यादा कम हो गया, आई मैक्सिमम यहाँ पे और कम हो गया और आर तो बहुत ज्यादा कम हो रहा है, यानी कि हम सर्किट के रेजिस्टेंस के हेल्प से इस रेजोनेंट करंट को या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रेजिस्टेंस। ठीक है, तो दिस वन इज द डायग्राम रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट, क्लियर हुई बात। अब इसकी एप्लीकेशन देखो, एप्लीकेशन कहां कहां पे इसका हम यूज करते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को हमारे पास कहां कहां पे यूज करते हैं, हम लोग देखो ट्यूनिंग करते हैं, हम लोग कहां पे टेलीविजन में ट्यूनिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास एक रेडियो चैनल है, ठीक है, रेडियो चैनल है जिसकी आपकी ब्रॉडकास्टिंग जो एक बैंडविड्थ मिलती है, ठीक है, बैंडविड्थ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, हम जल्दी इसका यूज देखेंगे, एप्लीकेशन कहां पे इसकी यूज होती है, हम टेलीविजन को यूज करते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, टेलीविजन में हमारे पास चैनल एकदम से सेट नहीं होते, जैसे आजकल टीवी ऑपरेटर या फिर आपके उसमें होते हैं, जब भी आप उसकी सेटिंग के ऑप्शन में जाओगे तो वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्यूनिंग का, जब आप उसको प्रेस करोगे तो वो क्या करेगा, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज को कैच करेगा। अब देखो हमारे पास ब्रॉडकास्टिंग चैनल आते हैं, ठीक है, मान लो ये मेरे पास एक विड्थ आ रही है एक चैनल की, ये दूसरी चैनल की और ये तीसरे चैनल की, ठीक है, इसकी मान लेते हैं 100 हर्ट्ज है, ठीक है, 100 हर्ट्ज, इसकी मान लेते हैं 300 हर्ट्ज है, इसकी मान लेते हैं 500 हर्ट्ज है। ठीक है, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे ये चैनल जो वो ब्रॉडकास्ट होते हैं। अब जो मेरा टीवी ट्यूनर है, ये रेडियो चैनल है, उस रेडियो के ट्यूनर को मैं इस तरह से घुमाता हूँ, वहां पे मैं एफएम या फिर एएम को सेट करता हूँ, ठीक है, उससे घुमाने से क्या होता है,
हम एक्चुअल में वहां पे एल ओ सी की वैल्यू को चेंज कर रहे होते हैं। जब हम उस ट्यूनर को घुमाते हैं, ट्यूनर कुछ इस तरीके से होता है, जब हम इसको घुमाते हैं तो उसके अंदर जो एल सी सर्किट होता है, एल ओ सी की वैल्यू को हम एक्चुअल में चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, मान लो मेरे पास एल सी की वैल्यू, यहाँ पे मान लो इन्होंने जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस की है वो भी कैसे प्रोड्यूस की होती है, इसी फॉर्मूले से यू नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एंड रूट ऑफ एल सी। इन्होंने क्या किया होता है, एल ओ सी की एप्रोप्रिएट वैल्यू लिखी होती है। ठीक है, उसी एप्रोप्रिएट वैल्यू के अकॉर्डिंग उन्होंने फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस किया होता है। बाद उन्होंने फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस की 300 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस की। ठीक है, एल की वैल्यू उन्होंने रखी, मान लेते हैं 10 ओम, और सी की वैल्यू रखी उन्होंने 20 ओम। ठीक है, या मेजरमेंट पे करते हैं तो उन्होंने एल ओ सी की वैल्यू रखते हैं 10 ओम रखते हैं। ठीक है, मेजरमेंट पे इसकी वैल्यू आ गई, दोनों की ओम वैल्यू कितनी है 10 एंड 10 ओम, दोनों ने कितनी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस की 300, इन्होंने ब्रॉडकास्ट कर दिया। अब जब इन्होंने ब्रॉडकास्ट कर दिया तो हमारे टीवी के ट्यूनर को थोड़ा पता चलेगा उन्होंने कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी पे ट्यून किया हुआ। ठीक है, या रेडियो चैनल पे जब हम उसमें ट्यूनर को घुमाते हैं तो उसको थोड़ा पता है, तो वो एक्चुअली में क्या क्या होता है, एल ओ सी की वैल्यू को एडजस्ट करता है, यानी कि एल की वैल्यू को 0 से स्टार्ट करते हैं और सी की वैल्यू को 8 से स्टार्ट करते हैं या 15 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और देखो जैसे जैसे मैं एल ओ सी की वैल्यू को वेरी करूंगा, मान लो जब एल की वैल्यू 5 कितनी पहुंचेगी 10 पहुंच जाएगी और इसमें सी की वैल्यू 10 पहुंच जाएगी, तो यहां पे क्या होगा, इस केस में ये मैक्सिमम करंट फॉलो करेगा इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर, क्योंकि ये ट्यूनर भी क्या कर रहा है, उतनी फ्रीक्वेंसी को रिसीव करने के लिए क्या हो रहा है, उतनी फ्रीक्वेंसी को रिसीव करने के लिए क्या कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे 300 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो इमीडिएटली क्या होगा, यहां पे मैक्सिमम करंट को फ्लो करेगा उस सर्किट को आगे की तरफ भेज देगा। इस तरह से हमारे चैनल जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ के ऊपर, तो इस तरीके से हम उनको देख पाते हैं। समझा की बात, बाद में वो चैनल है सोनी चैनल है, तो सोनी चैनल ने क्या किया, 1/2 पाई इन्होंने अलग फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस की। ठीक है, एल की वैल्यू इन्होंने 15 रखी और सी की वैल्यू इन्होंने 15 रखी। ठीक है, एल और सी की दोनों की वैल्यू 15-15 रखी और इन्होंने फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस की 500 हर्ट्ज की। मैं इसी टेबल चैनल में देखूंगा। ठीक है, तो फिर से मैं इसकी वैल्यू को एडजस्ट करूंगा, जब मैं इसकी वैल्यू को एडजस्ट करूंगा तो हमारी वैल्यू जब 15 और 15 को क्रॉस करेगी तो इस 500 की फ्रीक्वेंसी को ये कैच करेगा, इस फ्रीक्वेंसी में गेन करेगा, मैक्सिमम करंट को अलाउ करेगा आपके पास होने के लिए। ठीक है, इन दैट वे हमारे जो टीवी चैनल्स वगैरह जितने भी हैं ब्रॉडकास्टिंग चैनल जो होते हैं उनको एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ मिली होती है। ठीक है, उन्हें फ्रीक्वेंसी मिली होती है, उसी फ्रीक्वेंसी पर वो अपने चैनल्स को रिले करते हैं, तो हमारा ट्यूनर भी जो होता है उसी काम को करता है, वो रिसीव करता है उन फ्रीक्वेंसी को, जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उस चैनल की उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करेगा।